प्राणनाथ गोविंद कृपा निदान जगत गुरु ये संसार ताप हरण है करुणा मय सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दा मुद्र माधव मूक उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरौ सुनै जो काल कृपा कराए तेरा अंत न जाई लखिया कथ न जाई हर कथिया नानक जिनको सतगुर मिलया तिनका लेखा निबड़िया नानक जिनको सतगुर मिलया तिनका लेखा निबड़िया चवर शतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र गोद विच एकत्र हो करके दीन दुनिया के पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के दर उत्ते अपने समय नू जीवन नू सफलियां करन दे लई तुरकी बाणी दा कीर्तन सरवण आप संगत ने कीता है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी चल रही लड़ीवार कथा 955 अंग उत्ते सिख धर्म दे बानी साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव साहिब जी का यह शब्द है। मन चित बिरतियां नू एकागर करके श्रवण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला वेल पंजाया कत बुनाया कट कुट कर खुंब चढ़ाया तन तन श्री गुरु नानक देव साहिब जी। दुनिया दे विच कोई उन्ना वर्गा परम ज्ञानी नहीं होया। उन्ना दी बाणी उन्हां दा एक एक बचन तुरदरगाहों ओस खसम दा साडे लई सुनिया है। गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी दी जिहड़ी बख्शिश है पहुंच है ज्ञान है दुनिया विच ज्ञान दी अवधि मानन वाले बड़े बड़े गोरखनाथ वर्गे सिद्ध बड़े बड़े परथरी वर्गे राज जोगी जिन्हां नूं इन्ना क ज्ञान हो गया भी राज भाग छड के जोगी हो गए। एक ते हुंदा भी गरीबी विच बंदा बंदगी करदा है
दुखी बंदे नूं रब चेते आ ही जांदा है। दुनिया का कोई भी ऐसा सुख सहूलत साधन नहीं जिहड़ा भरथरी ने ना हंडाया होवे। राजा विक्रमादित्य दा भरा सी ज्ञान हो गया, राजभाग हीरे जवाहरात मिट्टी जापन लग पे। गोरख को चलिया गया, कन्न पड़वा ले, जोगी बन गया, घर बार स्त्रियां दौलत छड़ दित्ती। भोगी सी पर जोगी हो गया, भोगां विच डुब्या सी, रब दी बंदगी विच डुब गया। एडे एडे हजारां वरियां दे जोगी ज्ञान विच गुरु नानक दा तिल मात्र भी मुकाबला नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? इन्हां कोल जिन्ना ज्ञान सी ओह सी दुनियावी, ते गुरु नानक कोल जिहड़े बचन ने जिहड़ा ज्ञान है ओह है हौ आप हौ बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुक्म आओ जीओ। मेरे को मेरा कख नहीं कहिंदे, मेरा भांडा खाली है। ये जिन्ने भी बचन ने ते खसम दा हुक्म ने जिहड़े तुहानू सुना रहे हां कहिंदे, हुण खसम दे बचना नाल रब दे बचना नाल बंदे दा ज्ञान किन्नी देर मुकाबला करेगा? ऐसे ओ महान परम ज्ञानी दी बाणी है। साहिब ए फरमाउंदे ने वेखो जदों कपाह बीजी दी है ना, कपड़ा बनाउण दे लई आपां कपाह बीजदे हां, वो जिहड़ी कपाह है वो जिहड़ा रूह है वो वेलणे विच वेल करके पिंजाईदा है। बड़ी मुशक्कत घाली कपाह ने, गर्मी सर्दियां विच धरती दी गोद च प्रफुल्लत हुंदा रहा, समें दे नाल डांगा भी खादियां, उटिया भी गया, वेलणे उत्ते बाग करके वंजाया भी गया। इउं साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे ने वो जिहड़ा कपड़ा है वेलणे ते वेल दे उत्ते पिंजाई दा है, उन्हूं फिर कत करके वो कपड़ा बन गया। ये पुरानियां बीबियां नूं ज्यादा ज्ञान होवेगा जां पिंडां दे लोकां नूं, इत्थे दे बने बनाए कपड़े आपां लै लैंदे। मुशक्कतां घालियां ने वेलणे उत्ते, मुशक्कतां घालियां ने जदों उणिया गया, जदों बुणिया गया, जदों बना लिया गया, कट कुट कर खुंभ चढ़ाया। हुण खुंभ की हुंदी है? साहिब सच्चे पातशाह तो पुछिए, दुनिया दे उत्ते इस धरती दी गोद चों तरह तरह की वनस्पति पैदा हुंदी है। इउं जदों बरसात होवे ना, इस धरती दी गोद विचों एक पत्तियां तो बिना वनस्पति पैदा हुंदी है जिहदे उत्ते चिट्टे फुल लगदे ने। वो जिहड़ा उन्हां फुल्लां दा चिट्टा रंग है उन्हूं ये जिहड़े धोबी ने लै आउंदे ने। जदों कपड़ा साहिब कहिंदे बुनिया गया, पिंडिया गया, तैयार हो गया, फिर उन्हूं कट वड करके धोबी नूं दे देईदा है, टुकड़े करके धोबी नूं देईदे ने भी इहनूं चिट्टा रंग ला के खुंभ चाड़, इहनूं ऐन चिट्टा करना कर, वो भांडे विच रंग पा के गर्म करके जदों ये कपड़ा पाउंदा है धोंदा है इहदा रंग बहुत चिट्टियाई विच आ जांदा है। जिहड़े भांडे च रंग चढ़ गए उहनूं भी खुंभ कह दिंदे ने।
साहिब कहिंदे कट वड करके उहदे ते रंग चढ़ाया गया, लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सूई धागा शीवै। हुण जदों ओ कपड़ा सी तुसीं आपो अपने मेच दा सवाउणा है, दर्जी को लै गए उन्हें कैंची ना वड्या, कैंची ना वड करके फिर जेड़ा तुहाडा मेचा तुहाडा साइज है वह सीना भी सी उदों। फिर साहिब कहिंदे ने सूई दे नाल वो जेड़ा कपड़ा सी उनू सीता गया। जिन्ना चिर वो सीता नहीं गया ना घर दा ना घाट दा किसे दे काम भी नहीं। साडा जीवन एदा लीरां लीरां होया पिया है, ना घर ही किसे नू सुख देण जोगे आ ना बाहर ही। दीन दुनिया दे पातशाह कहिंदे ने जिवें कपड़ा लीरां लीरां होया है, तू उस प्रभु कोलों खसम कोलों पाट के वख होया है, दुनिया ते आया। हुण सूई ने कपड़े नाल कपड़ा मेल दिता, अपने विच है ते निर्गुण परमात्मा ही ना, जोत ते उहदी है ना, चीटी ते कुंचर रसतूला सारिआं च जोत ते उहदी है। पर दुनिया ते आउण कारण असीं वख हो गए आ, हुण कपड़ा कपड़े ना जुड़े किदां, कि जिहड़े विछड़े आ मिले है सारंग पाणी, हुण पाणी विच छल्लां मिलन किदां, हुण उस प्रभु दा रूप किदां होईए। ते साहिब ने अगे उपा दिता भी जिदां सूई ने कपड़े नाल कपड़ा मेल दिता, जे किते गुरु नानक दी सिफत सलाह करें प्रभु दी जेड़ी बंदगी है दिन रात उदे विच डुब जावें, ते जेड़ी ओ भगती है बंदगी है ओ सूई वाला काम करदी है, तैनू खसम नाल गंढ दवेगी, तैनू परमात्मा नाल गंढ दवेगी। इउं पत पाटी सिफती सीपै नानक जीवत जीवै। उहदी सिफत सलाह करन दे नाल ये दूरी मुक सकती है, ये जोड़ आ सकता है। ते जेड़ा कपड़ा सीप जावे वो कारे लग गया, वो काम आ गया। इसे तरह ही साहिब कहिंदे ने जेड़ा तेरी दूरी है खसम नालों उहदे करके ही तैनू लानता ने, उहदे करके ही तेरे पासों किसे नू सुख महसूस नहीं हुंदा, तेरे कोई मछे लगन लई तैयार नहीं, तेरे कोई कोल बैठन लई तैयार नहीं। जिन्ने भी साधु संत ने उन्हां दा जीवन लै लो, एक दिन कबीर घाट दे उत्ते शनान करदा है, काशी विच घाट दे उत्ते शनान करदा है। वो घाट उच्चे थां बनिया सी, नदी पानी दा वहा थले नूं जांदा है। सिख नूं तां ही आख्या भी पानी तो नरमाई लै ला, लख तेरे कोल जायदाद दौलत शौहरत आ जावे, जिन्ना मर्जी उच्चा उठ जावे तू डिगना गुरु नानक दे चरणा च चाहीदा। पानी जिन्ना मर्जी उच्चा डैम ते चढ़ाओ तो आउंदा थले नूं ही है, सुभाव बनाला है। उचाइयां तराइयां आउंदियां रहिंदियां ने, गुरु नानक ना भुली। ओ उत्ते सी घाट ते कबीर चले गया नहाउण शनान करन, अमृत वेला सांभदा सी। वो पंडतां ने वेख लिया नहाउंदा, उस घाट तो पंडत पछाण हट गए भी हुण इत्थे नहीं नहाउणा, इत्थे जुलाहां दे काके ने नहालिया, पिटिया गया पाणी। ये थलड़े घाट ते नहाउण लगे ते वो जिहड़ी ब्राह्मणी मत सी ना हंकार वाली मत उहने चोट कीती भी पाणी उतले घाट तो थले आ रहा ते सारे का सारा ही पिटिया, थले भी नहीं नहाउणा। चंगी जुंडली कठी कर ली, कबीर नूं डीकन लग पे। कबीर नहा धो के आया, आउंदे ही घेर लिया, कंधे ने आउंदे ही घेर लिया, कहिंदा गल सुन तू है शूद्र,
इस घाट ते ब्राह्मण जां क्षत्री ना सकदे ने, शूद्र वैश नहीं। ये पानी पिटिया जांदा तुहाडे नौण नाल, जे नौणा है ते थलड़े घाट ते नहीं, उतले घाट ते ब्राह्मण ही नौणगे। कमाल दी गल है, जेड़े बंदे नूं नौण नहीं दिता गया भी पानी पिटिया जांदा, जेदे मथे लगदे ही कहिंदे साडे काम विगड़दे ने, उस बंदे दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच आ जानी और उहदे अगे कुल कायनात दा सिर झुकना। गुरु नानक दा ही रूप हो गए, बंदगी करके उहदा ही रूप हो गए। इहनूं की कहिंदे ने, इउं पत पाटी सिफती सिपै, क्योंकि सिफत सलाह करदा सी प्रभु दी, बंदगी करदा सी प्रभु दी। जिहदे मथे कोई लगण लई तैयार नहीं सी, इतिहास गवाह है भी काशी दे सारे पंडित उहदे चरणां दी धूड़ लभण लग पए सन। बंदगी भगत भगत जग वजिआ, जय जयकार कराउंदी है, चौवां दिशावां विच जय जयकार कराउंदी है। इउं जेड़ी इज्जत मैली है, जिनू कोई सत्कार दा नहीं, बलहार दा नहीं, वड़ियाई नहीं दिंदा, जेड़ा किसे दे काम नहीं, ना घर दे दे ना बाहर दे दे, ते साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे ने तेरे मथे कोई लगना नहीं चाहुंदा, किते उहदी सिफत विच जुड़ जावे तेरे पैरां दी धूड़ मथे लाउंदे फिरनगे। भाई रे, संत जना की रेण, धूड़ लभदे फिरनगे तेरे पैरां दी है। पर बकायदा शर्त यह है, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरा नाम। बाणी पढ़नी ते पढ़ाउणी है, शब्द की सलौता करनी ते करवानी है। किवें सिफत हुंदी है, किवें वड्याई हुंदी है। प्रकरण ही ऐसा चल पिया, दास नूं बड़ियां संगतां ने हुक्म कीता सी भी बाबा विधि चंद दा इतिहास सुनायो भी चोर तो संत किदां बनिया है, पाटे हुए कपड़े तो सीपिया किदां है, ये विछोड़ा उन्हें किवें मुकाया है। वेखो बाणी ने यह गल ते तय कीती है, जिन्ना दा ये रस्ता है ना, उन्हां दी संगत ते करनी पवेगी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, साध कौन है जिन्हें एक पगडंडी एक रस्ता तैयार कीता, वह पहुंचदा किथे है, उस रस्ते नूं धर्म कहिंदे ने। मर्यादा उस नूं जिहड़ी ते चल रहा धर्म, पहुंचदा किथे है, कहिंदे गुरु नानक दे चरणां विच। फिर कह दवां, संत ओ जिहड़ा गुरु नानक दे चरणां वल लैके जावे, जिहनूं अजे अपनी बल्ले बल्ले कौन दा चाह है, अजे पहुंचिया नहीं, वह भांडा खाली है, खड़क ज्यादा रहा, उहदे कोल वस्ता है नहीं, भरे कदी अपने वल नूं नहीं खिंचदे, उहदे अगे भरे हुए ने। उन्होंने उस्तत निंदा दा कीड़ा इत्थों कढ दिता है। कबीर नू सारी काशी निंदे ते कबीर कहिंदा बड़ी चंगी गल है, साड़ी कोई निंदा करे ना, साड़े लई कोई अखबार च एक बयान लावे तो असीं चार लगाउने हैं, ते कबीर कहिंदा सी भी छेती करो, जिहड़े दो चार काले लेख ने उह भी साफ कर दिओ, जिन्नी निंदा करो जिहड़े दो चार पाप ने उह भी मेरा भार चुक लो। ये जेरे की गल है, जरन शक्ति की गल है। किसी भी भगत संत की बाणी पढ़ लो, उहदा मार्ग एक ही है, गुरु ताई पहुंचाउणा, खसम ताई प्रभु ताई पहुंचाउणा। और केवल बाणी नूं पढ़ लेना यह ते थ्यूरी है, इहदे ते चलना, सुन लेना पढ़ लेना ना, जिन्ना चिर मनन ते निध्यासन नहीं करदा, मन के उहदे अनुसार जीवन बतीत नहीं करदा, साध नहीं बनिया जाना। साध कौन है? जिन्हें निध्यासन कीता है, जिन्हें इहदे अनुसार जीवन बतीत कीता है, उन्हें ये आदत किवें पाई है,
ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਸੰਤ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੀਨੇ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਸ਼ੀਨੇ ਪਿੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਸਰਹਾਲੀ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਰਹਾਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਲੁਕੋ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੱਗ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਪੈੜ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਔਰ ਵੇਖਿਓ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੌੜਾਈਆਂ ਉਹ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਡਿੱਗ ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੋਰ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੈ ਮੇਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈੜ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈੜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ ਅੱਜ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਲੱਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਕੱਢੀ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾ ਬਦਲਾਂ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਵੀ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਸਾਧੂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਮ ਬਹਿਸਾ ਕਰੋਗੇ ਪਖੰਡ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਊ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਤਿਨਕਾ ਨਾਓ ਫਕੀਰ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਦਲੀ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਟਣੀ ਚੋਰ ਤੇ ਚੋਰ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੂ ਨਾ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਬਚਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਝਾੜਿਆ ਕਰੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ
ਇਹ ਮਾੜਾ ਜੇਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਣਕੇ ਤੇ ਮਣਕਾ ਸੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸੰਤ, ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਣਕਾ ਤੇ ਫੇਰੂ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਜਪਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੁੱਲੀ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਪੇਗਾ। ਸੰਤ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਸਮ, ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਘੱਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਭੁਚੰਗੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਕਰ। ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਲਹੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੂਤ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਫਿਰਦੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਰਾਤ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਉਹ ਨਿਬੜਦਾ। ਡਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਭੈ ਐਸਾ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਐਸੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇਜ, ਹੁਣ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਧਾਰ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈੜ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕਹਿਓ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁ ਭੈਂਸ ਚੁਰਾਈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਓ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁ ਭੈਂਸ ਚੁਰਾਈ, ਖਬਰ ਪਾਏ ਵਾਹਰ ਚੜੀ ਸੋ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਚੋਲੇ ਨਜ਼ੀਕ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਮੈਂ ਵਾਰੀ, ਚੋਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਗਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ ਅਦਲੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਦਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਦਲੀ ਨਾਮ ਤੈਂ ਸਿੱਖ ਥਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਹੁ ਭਾਰੀ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਤੀ। ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਬਹਿ ਗਏ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ, ਤੇ ਪੈੜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਸੀਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਤਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖਸਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਂਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
साहेब सच्चे पातशाह दा सिख है, माला ते मणका चलदा। गुरु अर्जन ध्यायो, बाबा बिधी चंद कह रहा, गुरु अर्जन ध्यायो कारी ते भूरी भई। कहिंदे मझां सी कालियां ते जदों छप्पड़ वल गए ने, मैं गुरु अर्जन दे नाम दी माला होर तेज कर दिती भी जे इन्हां नूं पछाण आ गई ते भाई अदली नूं ते जानदे ने, मैनू खेरू खेरू कर देणगे भी चोर इहो ही है। जदों गुरु अर्जन साहिब नूं ध्याउणा कीता, गुरु अर्जन ध्यायो कारी है भूरी भई, सो भैंसा सारी नह पछाण मालक सके तज गए पिछारी। वो सारिया ही पूरिया हो गई। गुरु ग्रंथ साहब के आधार से सिद्ध करांगे भी हुंदी करामात के नहीं। मैं माला मणके ते मणका छड्डा, एवें नहीं एक चोर एडे एडे हाथ मारन वाला, उन्हें की लैना गुरु घर तो, उन्हें की लैना गुरु अर्जन तो। कुछ तकिया है पर ता घर की बरकत तकी है। कल भी आपने परसों वाहगुरु सरवण किया, भगत जना को देहुरा फिर है, सतगुर अपने सुनी अरदास। जो भी तुहाडे मन च अरदास है, जो भी तुहाडे मन विच इच्छा है, कारज आया सगला रास। दुनिया दे उत्ते कोई ऐसा कर्म नहीं जेड़ा गुरु दी बंदगी नाल संभव नहीं। सगला रास मन तन अंतर प्रभु ते आया। बकायदा शर्त यह है जिथे तन करके ये दर ते रहना, सेवा करनी है उथे मन करके जुड़ना है। गुरपुर डर सगल चुकाया, ये पूरे गुरु की बख्शिश है। सब ते वड समर्थ गुरदेव, यदा मतलब की हुंदा है? गुरु की समर्था इनी कह भी दुनिया ते कोई ऐसा कार्ज नहीं जेड़ा हो नहीं सकता। मझा मुझा की तो गल ही छड़ो, मंदरां दी ते गल ही छड्डो। ओ ते मार आपे जी वालदा, मोयां नूं जिउंदे कर दवे, मंदर घमाउणे किड्डी क गल है। पर घुमदे उहनां नूं दिखदे ने जिहड़े इहनूं खसम नूं रब दा रूप समझदे, जिहड़े आपदे अरगा ही समझदे भी थोड़ा बहुता ज्ञान वध चुकी फिरदा सी साडे नालों, उहनां लई कख नहीं हुंदा। इह श्रद्धा दा मार्ग है। ओ साहिब सच्चे पातशाह पार ब्रह्म इत्थे ही सीमित नहीं, जे समर्थ है पार ब्रह्म परमेसर अनूप, वो जेड़ा सोना जिहा सारिआं तो पार बैठा खसम है, जेदा कोई उरला कंडा नहीं, जेदा कोई पारला कंडा नहीं। सफल मूरत गुर तिसका रूप, पार ब्रह्म परमेसर अनूप। उस खसम का रूप कौन है? सफल मूरत गुर तिसका रूप जिहड़ा है ही रब। दुनिया से डरंग रुंग की कड़ी गल है? नहीं पढ़ते तुसी ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी मेरी औकात नहीं, किथे तेरी बरकत नू ताकत नू समर्था नू जानना। मैं ते तर्क करना है, सब ते वड्डा सतगुर नानक सब विच ही आ गए। दुनिया दे उत्ते कोई ओटा वड्डा नहीं, मशीहा नहीं, पैगंबर नहीं, अवतार नहीं। जिन कल राखी मेरी कल युग दे समय विच किते उदे चरण फड़ लवे ते किरपा हो जांदी है। गुरु अर्जन दे नाम दी चल पई माला ते माला दे नाल तब्दीली आई रंग विच। चोर जेड़ा ना उदे मन विच एक ज्ञान का अंश पैदा होया भी एडी बरकत है इस घर विच। भाई अदली दे चरणा ते डिग पिया ते कहिंदा भी वादा कीता सी सारी उम्र तेरे चरण कुटने ने सेव। जे ते हुंदा मेरे वर्गा ते बड़ी खुशी भी चेला वध गया जे। वेखो मैं किसी साधु संत ते तर्क नहीं करता, बाणी ने कहा धूड़ लभ ला उन्हां दी, पर जेड़े पूरे ने अजकल कच ज्यादा है। साढ़े वांगू लिबास ते पाया कईया ने, साढ़े वर्गे कई इत्थे कच दे टुकड़े ने। हीरे बनना बड़ा औखा है, हुंदे ने इह नहीं मुक गए ने
कोटन मैं नानक को छोड़े होंगे ने। साहेब सचे पातशाह उन्हां दे दरदा सी भौरा बाबा आदली, वो कहता मेरे चरण घुटन की लोड़ नहीं, जेदे चरणा चो मैं बरकतां लईआं ने वह गुरु अर्जन है, चल उथे चलीए। बाबा खिसकन लगा, कहिंदा कोई नहीं फिर आवांगे, तू आ माला ही दे छड, माला का सुख बड़ा, चोरी करो पहचान आनी, कोई नहीं बल्ले बल्ले पदार्थ वाली दो, माला लै लईए कि चरणा जिन्हें जाना पै जाए, गुरु नहीं मंगना। 99% पदार्थ ही इच्छे मंगण आने, तुसीं भी ते मैं भी, गुरु नहीं मंगना। वो बाबा अदली कहिंदा भी चरण घुटने गुरु अर्जन दे, चरण सरेवने गुरु अर्जन दे, सेवा करनी गुरु अर्जन दे दर ते। बाबा बाहों फड़ लिया, सारी उम्र मुठी चापी का वादा किया सी, मैं भी ओदी मुठी चापी नाल बरकतां लईआं ने, चल तैनू सच्चे गुरु कोल, असल संत कोल, दीन दुनिया दे पातशाह कोल लै चला। चरणा विच पहुंचिया, चोर सी, समा आया, दिल तो बिना सीने तो बिना शरीर किस काम है। एक चोर नू ठग नू सीना कहना, मैं संखेप विच ही जिक्र करा, गुरु घर सदा सच्चाई ते पहरा दिंदा रहा है। इत्थे बाजां दा झगड़ा जां घोड़ियां दा झगड़ा इस करके नहीं भी कीमती बड़े ने, गल इह है हक ते सच दी, जिहदा हक है उहनूं मिलना चाहीदा है। कावल तो संगतां दो घोड़े लैके आए ने, कांगड़पुर महाराज बैठे ने जोध शाह सरदार दे कोल, संगतां ने आके दसवंध चरणां विच रख दिता है, दौलतां चरणां विच रख दिंदियां ने, तारा चंद ते बख्त मल पहुंचे ने संगतां लैके, इन्हां नूं मसंद कह लो, गुरु के सेवक जो भी कहना कह लो। चिट्ठी लिखी सी पातशाह नूं भी तुहाडे लई घोड़े लैके आ रहे हैं, अरबी नाल जो संगतां दा दसवंध है, हुण घोड़े आए नहीं। पातशाह ने पुछया भी घोड़े नहीं दिखदे, ताहा मार के रोपे, ताहा मार के बेबायद के यसदा शुनासी कुनी, कहिंदे जे तेरे कोल ताकतां ने ना गुफते कसे कस खराशी कुनी, बेबायद के यसदा शनासी कुनी, तेरे कोल तख्त है, तेरे कोल ताकत है, रब दा वास्ता ही गरीबां नू ना को, किसे नू सताया ना कर दे, तेरे कोल ताकत है, ते अपां सारे ही सताउने आ, जेड़ा नीवा उन्हों सताने हैं सारे। ये बंदे दी फितरत विच है, सताए ने बादशाह दे तख्त दे सताए ने, चरणा ते पे डिग, कहिंदे जी तुहाडी इमानत सी शाहजहां ने खो लए ने, गल इमानत दी है, गल हक सच दी है, मुल दी गल नहीं भी वह लखां दे ने, भी वह सवा लख दा घोड़ा जां किन्ने दा है। शरेआम लाहौर विच खोए गए ने पातशाह, पुछया सी किहदे ने, असी आखिया सच्चे पातशाह दे, ते सौंदेआं दरोगा कहिंदा वी पातशाह दे विच इत्थे रहिंदा सच्चा, लोक दे पातशाह नूं ही सच्चा बना दिता, घोड़े ते लोक परलोक दे पातशाह लई सी। हुण गुरु दा जेड़ा सुभा है, जेड़ा शरण आ जावे, ध्यान रखियो, जेड़ा गुरु दी शरण आ जावे, गुरु दा ए सुभा है भी उहदे दुख कटदा है। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा, रखदा है वो कृपा कर दिंदा है। के बर हर बुजुर्गे मकीने लुका, किते उस खसम दे चरणा विच पै डिग, ओ काल बन के तेरे ते कृपा करेगा, मत कोई तख्त उत्ते बैठा जाने भी मेरा तख्त ए अटल है, जदों समा उत्तों दी लंघदा है,
ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲ ਪਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਵੀ ਗਰਦਸ਼ੀ ਸ਼ੇਫੁਦਾਏ ਸਮਾਂ, ਬਵੀ ਗਰਦਸ਼ੀ ਸ਼ੇਫੁਦਾਏ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਐਸਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਲ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਕਾਲ ਆਪ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਸਿੰਘ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਖਾਲਸ, ਉੱਠੋ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ। ਜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਖੋ ਲਿਆਈਏ ਘੋੜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣੇ। ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਚੋਰ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਰਾਏ, ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂ ਐ? ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਮਗਵਾ ਕੇ ਅਸਵ ਲਿਆਊਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, 2-4 ਘੋੜੇ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਕੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਮਾਣ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਵੇਂ। ਮਹਿ ਮਹਿ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਕਿਆ ਬਪਰੋ ਜੋ ਅਰ ਸਕੈ ਹੈਗਾ। ਓਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਓ, ਸੁਰਗ ਮੈਂ ਏਕ ਐਰਾਵਤ ਤਿਸਕੋ ਲੈ ਹੋ ਮਾਰੀ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, 2.25 ਲੱਖ ਨਾ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਰਕਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸ਼ਰਧਕ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਖੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦਾਤਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਭੇਖ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੱਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਜਿਹਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਹਰ ਵਿੱਚ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਤਾਈਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸੁੱਕ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਵੀ ਖਸਮ ਹੋਰ ਸੀ, ਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਵਧੀਆ ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਮੁੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਗੁਲਬਾਗ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੰਡ ਸੁੱਟੀ,
कोई सुरती ऐसी सी इन्हां विच भी जाग पैंदी है। ज्ञान होया होवेगा मेरे गुरु का सिख है ते घा खादा। बाबा सकीमी बड़ा है घा लैके आउंदा रहा, एक दो दिन नागा पा दिया करे ते जिदन नागा पावे घोड़े घा ना खाण। चलो सौंदे खां ने एक दिन आखिया भी तू इदा कर, इत्थे नौकरी कर ला, जॉब कर ला। विधि चंद खुश हो गया, तनखाह दे उते नौकर हो गया। जांदिया ही दिलबाग गुलबाग दे पौड़ां विच सिर चुकाया भी मेरे पातशाह दे घोड़े ने। अजकल यह सब पखंड जापेगा बड़े श्रद्धा है, चरणा ते प्या डिग। जिस दिन दे असी तर्क विच पै गए हाँ, उंगलां ते एक शहीद भी नहीं लभदा। 84 तां कन्ने सी शरदा विच ते कतारां ही लगियां होईयां ने सिर वारन वालियां। आपदे कुछ करना नहीं, दूजे नूं वी नहीं करन देना। असी शरदा है, मेरे गुरु दी सवारी है। वेंदिया ही वेंदिया हटे कटे हो गए घोड़े, रंग रूप चढ़ गया जेड़ा पहला नुकरे घोड़े सी। अरबी दे अरब दे महान घोड़े ने, सवा सवा लाख इन्हां दा मुल है। और इतिहास पढ़े हो, पुराना जिन्ना भी इतिहास पढ़े हो, साढ़े नालों लख गुणा वड्डे हो ज्ञानी सन जिन्हां ते असीं किंतु करदे हैं। साढ़े नालों उच्चा जीवन है, साढ़े नालों ज्ञान कई गुणा। ब्रिज भाषा अरबी फारसी का वा सानू आउंदा भी कख नहीं, पंजाबी गुरमुखी तो बिना उंगल भी उछे कर दें। चलो पातशाह दे घोड़े ने वेंदिया वेंदिया रंग रूप बदलिया। एक दिन खुशी बड़ी आई, शाहजहान खुश हो गया। ए नौकर नू नाम दिता गया, यार कहिंदे बाबा पार्टी करिए, तैनू दे नाम बड़ा मिलिया। ते बाबा कहिंदा भी गुरु के सिख पार्टी कदी करदे ने, मन का वलवला है, पार्टी कादी करनी, ये मां शराब साढ़े लिए कादा है। एवें पशु बिरती पैदा होंदी है, मसां दे बंदे बने हैं 84 तो बाद। माया दे दिती जाओ लैओ जो लिया, उन्हां चंगे मटके शराब। वह मुगलों का यो आहार सी, जदों मास खांदे सी इत्थे अड्डा रोड़ी ला दिंदे, एक एक बकरा कल ही खा जांदे सी। पत्ते खा के गुरु दे सिख लड़दे रहे श्रद्धा दे आधार ते। 6-7 महीने पत्ते खा के लड़े ने आनंदगढ़ किले दे विच, क्योंकि श्रद्धा बाणी दा प्रेम बरकतां ज्यादियां रखता है। मास आ गया, शराब आ गई, मस्त जय हो गए। बाबे ने वेख्या, होश गवा बैठे ने, पशु बन गए ने। सौंदे खां दे कमर कसे चो चाबी कढ़ी है। और शकीमी बड़ा सी, जदों घा लिया सी ना, एक विच वड्डा पत्थर लिया सी, रावी नाल वगदी सी, दरियावां दे वहण ने। दास मुंडे पिंड रहिंदा है, कोई 20-25-30 साल पहला दरिया पिंड दे नजदीक सी, अज 4 मील परां हट गया। ये वहण ने अज किते आ कल किते आ, इन्हां दे वहणां नूं दक्या नहीं जा सकिया। हुण पता नहीं वह कित्थे होवे कित्थे नहीं, उदों नाल वहिंदा सी रावी, आपां ते वेख्या नहीं ना लाहौर जा के। पत्थर लिआउंदा पाणी विच सुट दिंदा है, वो समझदे ने वड्डा कोई मच्छ होना है। अज चाबी कढ़ी है, घोड़ा कढ़िया 125,000 दा, ते सिख दा सुभा है मूल दे नाल नाल व्याज भी लैणा है। व्याज ते मूल कट्ठे ही गराउणे ने सिख ने। तू गुरु दे घोड़े खोए, पातशाह दे घोड़े खोए, 125,000 दी सोने दी काठी कढ़ी है नाल, दूणा करके चलिया जे पंगा जू लिया गुरु करना। काठी पाई है, किले ते चढ़ा लिया, इधर उधर फेर के लैके खसम दा नां रावी विच छलांग मरवाई है। मालवे विच गुरु दे चरनी पहुंचिया है, गुरु दे चरनी पहुंच गया घोड़ा। किले विच रौला पै गया, ना दरवाजा खुला, सवेरे ही होश आउणी सी, ना दरवाजा खुला, ना धरती जी कोई धसिया लगदा, घोड़ा गया किथे।
एक घोड़ा लै गया है, आपसी विछोड़ा है, ते पातशाह सह सवा कहिंदे विधि चंदा दोवें कट्ठे ही चाहिए सी, जां इनू उत्थे छड्डिया परख है जां उनू लै आ। हुण गल ए है वेखो, कई बार कपड़ा सीम ही दईए ते ओह पाट जांदा है। बाणी पढ़िओ, होए पुराना कपड़ पाट है, सूई धागा गंढ है। कपड़ा गया पाट गंढ लिया, हुण पुराना कपड़ा है, माहो पख के हो चलै नाहीं, घड़ी मोहत किश हंडा है। एड़ा पुराना कपड़ा सीता है, वो पाट गया है, गंढिया कपड़ा पाट गया है। पर याद रखी, जेड़ा सच्ची बाणी पढ़दा सच पुराना होवे नाहीं, सीता कदे ना पाटै। गुरु दी खसम दी कीर्ति कीती, शब्द बाणी दा अभ्यास कीता, ए जंद जेड़ी लीरो लीर सी गुरु नानक दे चरनी एक बार जुड़ जावे, सच्चे दे नाम विच जुड़ जावे, ए फिर पाड़ दी नहीं, ए तिलक दी नहीं। रावण वर्गे ज्ञानी चतुर भगता तिलक गए, पर गुरु दा सिख नहीं तिलकदा, ए नहीं पाटदा एक बार जुड़ जावे, आप ही नहीं तिलकण दिंदा गुरु इहनू। हुण विधि चंद जे ते अधूरे नाल जुड़िया हुंदा ते अज कहिंदा बाबा की होया ई, तीन चार महीने लखां दे घेरे विच रहिआ, जिथों घोड़ा लिआंदा मैनू पहचान लैणा ई। विधि चंद सी सच नाल जुड़िया, ते पातशाह ने दीन दुनिया दे बालक ने आखिया विधि चंदा कौन जावे हुण, ते विधि चंद कहिंदा जी छापड़ा दे दिओ, कम मैं करांगा। ज्योतिषी बन गया है, ज्योतिषी बन गया है, ते सौंदा मिल पिया बजा कहिंदा घोड़े गुआचे ने तुहाडे, मैं लभ सकदा। कहिंदा जानी जान किले विच आया, दाड़े नूं वट चढ़ा के मुछां ना बन्निया, पणत दा भेस बनाया, गतियां जीआं लई फिरदा है। ऐसी माया वरताई गुरु ने, पहचानिया नहीं गया। कहिंदा माहौल बना दिओ, जिद्दन घोड़ा चोरी होया सारे किले विच उसे तरह वड़ गए। कहिंदा जिंदरे मारन की लोड़ नहीं, चाबी लई घोड़ा कढ़िया, सवा लख दी काठी होर पाई किले ते चढ़ा के छाल मरवा के, कहिंदा गल सुन वे चाह जहाना, मैं आ विधि चंद, पहला घोड़ा भी मैं लैके गया है व्याज समेत, ते मैं ही गुरु हरगोबिंद दा सेवक, ते जे वाकया ही किसे शेरनी दा दुध चुंगिया ते रूपे आ जाई कांगड़ आ जाई, दो हथ करके वेख लई तेरे लखा नू वेखी गुरु के सिख मिट्टी चटाउंदे। कौन है तू? कहिंदा मैं गुरु दा सिख है, गुरु हरगोबिंद दा सिख है। लखां दे घेरे चों दूजा कढ के खड़िया, हस पे गुरु हरगोबिंद, कहिंदे ओए हनुमान वी सीता दी खबर ही लिआया सी, सीता नू नहीं लैके आ सकिया। समाप्ति करिए, पातशाह खुश होए, एक चोर ते बरकत केड़ी कीती, विधि चंद शीना गुरु का शीना, प्रेम भक्ति लीना तोर मोर मैं भेद ना। ओ विधि चंदा तेरे ते मेरे विच फर्क नहीं रहा, सदा सांझ तेरी पुश्तैनी, तेरे परिवार दी गुरु घर नाल पुश्तां ताई सांझ पै गई, शीना बना लिया विधि चंद नू। इथे बाणी कहिंदी है, नानक साहिब सचो सचा, तिचर जापी जापै, सच्चे नू जप लिया ते दुनिया ते साचो निबड़ेगा, इचे ते चमयारां दे जुलायां दे काके, इथे दे चोर सीना बन गए, सच्चे नाल जुड़ो, पुल चुक दी खिमा। अज कथा विचार दी समाप्ति है, सिंह साहिब जी ज्ञानी रणजीत सिंह जी, समूह प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद। वाहगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।